इंसान का जीवन बहुत ही अनमोल और भगवान का ये दिया हुआ एक बहुत ही नायाब तोहफा है, जिंदगी को जो हम इंसानों को मिली हुई है। इस जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, जैसे कि ग्रह नक्षत्रों और किसी इंसान के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव हमेशा ही देखने को मिलता है। किसी भी इंसान के स्वास्थ्य पर ग्रह नक्षत्रों का असर जरूर पड़ता है। ऐसा ही आजकल कुछ हुआ है बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के साथ, और हम आपको बता दें कि उनको हाई ग्रेड कैंसर हो गया है। और इस खबर को सुनते ही पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया है और भगवान से सब लोग दुआएं भी मांग रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने भी जब अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर हुआ है और वो न्यूयॉर्क में इस समय अपने बीमारी की इलाज करवा रही हैं, जबकि ये बात साफ नहीं हो पाई थी कि आखिर सोनाली को कौन सा कैंसर हुआ है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोनाली बेंद्रे को जो कैंसर हुआ है वो वास्तव में कौन सा कैंसर है और ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे को जो कैंसर हुआ है वो असल में मेटास्टेटिक कैंसर है। बता दें कि कैंसर का ये प्रकार इंसानी शरीर के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंसर के अन्य प्रकारों की तुलना में मेटास्टेटिक कैंसर शरीर के अन्य भागों में भी बहुत ही आसानी से और जल्दी फैल जाता है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि मेटास्टेटिक का मतलब है आकार और रूप बदलना। ये कैंसर इंसानी शरीर के साथ साथ ऐसा करता है कि आपको बता दें इस कैंसर के सेल्स टूटकर खून में मिल जाते हैं और इसके जरिए शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इस जानलेवा कैंसर के शुरुआती लक्षणों को जान पाना वैसे तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसका पता तब लगाया जा सकता है जब शरीर के किसी अंग में दर्द होना शुरू हो जाए। जैसे कि अगर ये कैंसर हड्डियों से फैलना शुरू होता है तो शरीर के उस हिस्से में दर्द और फ्रैक्चर भी संभव है। आपको बता दें कि अगर ये कैंसर सीधे सर के जरिए शरीर में प्रवेश करता है तो मरीज को सर में भयानक दर्द की शिकायत और चक्कर आते हैं। अगर कैंसर की शुरुआत लीवर से होती है तो लीवर में सूजन, पेट में दर्द होने जैसी समस्याओं का सामना मरीज को करना पड़ता है। इस कैंसर के बारे में सबसे खतरनाक तथ्य ये है कि एक समय के बाद इसका इलाज असंभव हो जाता है। जब इस कैंसर के सेल्स अमूमन शरीर के सभी भागों को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन अगर कैंसर के शुरुआती दौर में ही इसका पता लग चल जाए तो मरीज को जान जाने से भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिसर्च में इस बात का भी पता चला है कि कैंसर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ज्यादा होता है, और इसके इलाज के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इस कैंसर की शुरुआत शरीर के किस भाग से हुई है। मेटास्टेटिक कैंसर का इलाज उसके शुरुआती अवस्था पर निर्भर करता है और उसी हिसाब से मरीज को दवाइयां और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा इस कैंसर के इलाज के दौरान मरीजों को केमोथेरेपी और रेडिएशन शेक भी दिए जाते हैं, जिससे कि कैंसर के सेल्स को शरीर से हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। बहरहाल सोनाली बेंद्रे अपने इस कैंसर का इलाज इन दिनों न्यूयॉर्क में करवा रही हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही सही सलामत इंडिया वापस लौट आएंगी। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।